नमस्कार, मी नागराज मंजुळे. नमस्कार, मी रिंकू राजगुरु. आणि तुम्ही पाहत आहात आणि तुम्ही आम्हाला पाहत आहात बॉलिवूड हंगामामध्ये. बॉलिवूड हंगामामध्ये जिस तरीके का आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एकदम बिल्कुल बदलाव आता है सेकेंड हाफ में, एकदम से आप मैच्योर आपको होना पड़ता है, और जो सारी की सारी आपकी कशमकश देखी जाती है, आई थिंक समवे वो बहुत इंपॉर्टेंट था सेकेंड हाफ. बिकॉज एट टाइम्स आदमी सोचता है कि ये उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसको डिटेल में क्यों बयान किया जा रहा है, लेकिन उसमें जिस तरीके से बताया जाता है कि दैट डिफरेंसेज होते हैं, लेकिन डिफरेंसेज के बाद फिर से मैच्योरिटी आती है एंड दे जस्ट स्टार्ट living together once again and come back together. तो क्या आपको लगता है कि that इस पूरे प्रकरण को मतलब करने में, acting करने में, आप में personally कुछ आपके अंदर आपको लगा कि आप maturity आई, आप कुछ अपने को बड़ा आपने महसूस किया? लगा तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये कहते था नागराज दादा कहते था तुझे यहाँ रोना है, ऐसा ऐसा हुआ है. तो रोना actually मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आता था कि किस इमोशंस में. तो मैं याद करती थी, माँ ने मुझे डांटा, माँ मुझे मारती थी तो ये सब याद करके रोती थी. और कभी कभी नहीं रोना आता तो मैं खुद आर्ची बन जाती थी कि मेरे साथ ही ये सब हुआ है, मैं खुद आर्ची हूँ, ऐसे सोच के मैं रो लेती थी. पर मेरे लिए सब डिफिकल्ट ही था. मतलब उसको शायद ये ध्यान में भी नहीं आया होगा उसका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कहाँ से कहाँ तक हो रहा है. और ये उसकी जिम्मेदारी कम है, मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि एक एक्टर का जो इमोशनल ग्राफ है या फिल्म का भी जो ग्राफ है, एक्टर ने ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब वो उसका काम दिल लगा के करे, वो ज़रूरी है. तो और इसकी उम्र देखते ये बात ज़रा उसके लिए समझ बूझ के करने वाली ज़रा ज़्यादा थी. उसकी खासियत यही रही है कि वो जो भी हम करते थे तो उसमें घुस जाती थी, उस किरदार में. या अगर सीन में बता रहा हूँ कि ये हुआ है, पिछला ऐसा ऐसा हुआ है, अभी ये सब जो माहौल है इसमें तू क्या महसूस कर रही है, आर्ची क्या महसूस कर रही है, तो उसने बहुत दिल लगा के बहुत ही डेडिकेशन से वो काम किया है. और हम सब लोग, मैं देखता था कि सब लोग हंसी मजाक में कुछ करने में जुटे हैं, और ये लड़की जब भी कोई इमोशनल या कुछ सीन है तो अकेली बैठती थी, कोई उसको टोकता भी था तो ये उसको डांट देती थी कि मुझे बिल्कुल कुछ मत बोलो, और ये जब सीन होगा तब मुझे बात करो. तो ये बहुत उसका डेडिकेशन अच्छा था. तो शायद वो समझ नहीं पा रही है, लेकिन उसने बहुत बहुत ही काम किया. बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर बताने के लिए. शायद मेरे ख्याल से आप कुछ सालों के बाद उसको समझेंगी. बिल्कुल, कुछ सालों के बाद. दैट बिल्कुल. ऑलराइट, आमिर खान ने बहुत ज्यादा पिक्चर को पसंद किया है, ही लव्ड इट एक्चुअली. एंड इरफान खान ने एक स्क्रीनिंग रखी सैरार की रिसेंटली, एंड मराठी सिनेमा को इंट्रोड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या अच्छा लगता है दैट जिस तरीके से बच्चन साहब इज वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म एज वेल, ऑलमोस्ट एवरीवन. सो Do you feel heartened somewhere that इस इतने बड़े बड़े लोगों ने और जिस तरीके से उन्होंने उसको सर आंखों पर उन्होंने चढ़ाया. I must tell you that नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मैंने इंटरव्यू किया, और मैंने उनसे पूछा कि दैट क्या आप हॉलीवुड की फिल्में करना चाहेंगे, बिकॉज आजकल काफ़ी एक ट्रेंड चल रहा है. तो ही सेड कि दैट जिस तरीके का मराठी में काम हो रहा है, मैं मराठी में काम करना चाहूंगा बजाय हॉलीवुड के काम करना. अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही. बिल्कुल बिल्कुल, मेरी पसंदीदा है सब लोग ये. अच्छा, तो आप, we would love to see you and Nawaz working together actually. How do you feel that एक छोटी सी फिल्म ने, 4 crore की फिल्म ने business किया इतना ज़्यादा, and it is having such impact on people who don't really understand Marathi that well, but they're loving it. देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. You know, I don't understand Marathi much, लेकिन मैं जो subtitle से बहुत समझ में आता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि that आपको ज़बान आना ज़रूरी नहीं है, वो आप जो अगर एक flow होता है screen play का, आप उससे you can relate to it, वो आपको touch करती है कहीं ना कहीं. I had an Aishwarya Rai interview जब मैं पिक्चर देख रहा था. अच्छा. मैंने इंटरव्यू मैंने डिले किया that I don't want to miss this interview because it was quite long actually. I delayed that interview that I don't want to miss anything of this movie at all. ये बहुत ही मतलब thank you so much. और जैसे कि आप से लेके आमिर खान और इरफान खान, नवाजुद्दीन, सब लोग appreciate कर रहे हैं. अनुराग कश्यप, सब लोग मतलब इतने फोन, इतने मैसेजेस. अनुराग was the first one to do it. उन्होंने एकदम शुरू में किया था जब पिक्चर रिलीज हुई तभी उन्होंने ट्वीट किया था. बहुत जल्दी देखी थी. और मुझे अच्छा लगता है कि इतने बड़े लोग अपने अपने काम में, इतना माहिर लोग अगर आपकी आपका काम आपकी काम आपकी आपकी फिल्म का तारीफ करते हैं. और पर्सनली मुझे फ़ोन करके, मैं हालांकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इरफान सर ने जो स्क्रीनिंग रखा था तो मैं वहाँ नहीं जा पाया क्योंकि मेरे पैर में फ्रैक्चर भी था, मतलब अभी भी है. तो
ये बुरा लगा कि बहुत मतलब एक बहुत ज़रूरी एक जो होता है ना एक स्क्रीनिंग था और वो उन्होंने उनके बच्चे के दोस्तों को और उनके दोस्तों को वहाँ पे बुलाया था जी। बहुत प्राउड फील होता है कि सबको अच्छी लग रही है फिल्म दुनिया भर से, मतलब आप देखें जहाँ भी फिल्म लगी है वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। तो एज अ फिल्म मेकर, एज ए कलाकार तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। पैसा कमाना एक अलग बात है और मैं मानता हूँ जितना जितने ज़्यादा लोग देखते हैं उतना आप पैसा कमाते हो, लेकिन मैं वो लोग जो देख रहे हैं उनकी जो सद्भावना है और उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं मैं उनको ज़्यादा महत्व देता हूँ। ये तो उसका साइड इफेक्ट है शायद कि पैसा तो आता है फिल्म में देखने के लिए। राइट।